ये देखिए नाजरीन, ये इस तरह की दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे किशमिश हैं और पॉपकॉर्नस हैं, और ये आई थिंक कोई कोकोनट की यानी कि खोपरे की मिठाइयाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे फौजी जवान पुलिस वाले जवान भी अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और आइए हम देखते हैं और ज़्यादा दुकानें देख लेते हैं, यहाँ पे लोग कितने सुकून से कितने अमन से रह रहे हैं। यहाँ पे लोग, यहाँ पे पुलिस वाले उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आइए नाजरीन ये दुकान देख लेते हैं, इस दुकान में क्या है। भाई आप लोग कहाँ से आए? हम लोग नवाबशाह से हैं। आप नवाबशाह से आए? आप लोग हिंदू बिरादरी से ही? जी जी। सर कैसा लग रहा है आपको रामा पीर के मेले में? सही लग रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, कोई तंग तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, मतलब बिंदास है सब। भाई ने बताया, चले आइए किसी और से भी मिल लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें कुछ इनको हिंदुआन जो मूर्ति वगैरह हैं कुछ, और मिट्टी की चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ अच्छे अच्छे शोपीस रखे हुए हैं। ये भाई से थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इस शॉपकीपर है। सर कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से हैं। पंजाब से? भाई ये पंजाब से आए हैं आप, तो आपको यहाँ पर रामे पहली दफ़ा आए आप रामे पीर के मेले में? मैं पहली मरतबा आया हूँ, और जो मेरे उस्ताद हैं वो हर मेले वो आते रहते हैं। आपको कैसा लग रहा है रामा पीर के मेले में पहली दफ़ा आके? ज़बरदस्त है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा यहाँ पे ये रश वश है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे? जी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई काम सही चल रहा है। अच्छा यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा दिखने में आया हो, कोई फसाद दिखने में आया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुकून है। सर आपने क्या लिया इधर से? हमने किशमिश ली है, मिठाई ली है। मिठाई कौन सी ली है आपने? हमने दोनों ली है, सफ़ेद खोपरे वाली भी और ये किशमिश भी लिए। सही भाव में मिली? सही भाव में मिली है। अच्छा आप लोग कहाँ से आए? हम टंडो मोहम्मद खान से आए हैं। टंडो मोहम्मद खान से आए? आपको ये मिठाई ये ज़्यादा अच्छी लगती है, किशमिश ज़्यादा अच्छी लगी आपको? भाई दोनों अच्छी है। अच्छा दोनों अच्छी है। अच्छा थोड़ी करेंगे। आपका नाम क्या है? रोशन। रोशन आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू हैं। तो रोशन भाई आपको यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं? नहीं 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 भाई कोई परेशानी नहीं, इस बार बहुत अच्छी सेफ्टी मिली है हमारे को। अच्छा यानी कि जो मुहाफिज हैं हमारे पुलिस वाले हैं उन्होंने बड़ी सिक्योरिटी दी? बड़ी सिक्योरिटी दी, बड़ी उनकी मेहरबानी भाई, हमारे को मना सपोर्ट किया है उन्होंने, हमारे को मना महसूस भी दिया है, मना सही मना। यानी कि आपको हर तरीके से सहूलत दी? सर यहाँ पे पानी खाने का कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं हमारे कोई परेशानी नहीं हुई है, खाने का भी मिला है हमको, खाना भी मिला है। अच्छा आप मंदिर रामा पीर आते रहते हैं? आप आते रहते हैं, हम आते। आपको अभी इस दफ़ा जो लगा, इस दफ़ा सब सही लगा कि हाँ भाई मामला सारे ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, हर साल से इस बार बिल्कुल ठीक ठाक है। और सर महंगाई की वजह से आपकी मिठाइयाँ तो महंगी नहीं हुई? नहीं नहीं महंगाई मिठाई नहीं हुई है, सही दी हुई बाजार है। मतलब जो पहले थी आप मुतमईन है कि सही मिठाई है? सही। नाजरीन देखिए आप, ये भाई मुतमईन है कि भाई जो पहले मिठाइयाँ मिलती थी वही मिली है, कोई महंगाई नहीं हुई। नाजरीन देखिए अब हम आ गए हैं फाइनली रामा पीर रामदेव के मंदिर के पास। अब हम इसमें एंटर करते हैं, लोगों से पूछते हैं, कुछ बात करते हैं लोगों से के मंदिर के बारे में, इस इवेंट के बारे में, रामा पीर की सकाफत के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके माजी के बारे में। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। सबसे पहले मंदिर में ये हम यहाँ पे सर खड़े हुए हैं, ये हमारे कुछ मुहाफिज हमारे सर खड़े हुए हैं, रेस्पेक्टेड हमारे ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। ऑफिसर से पहले बात कर लेते हैं, इंटर होने से पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है एसआई इरशाद अली है। इरशाद अली सर आप मुझे ये बताइए, आप तकरीबन रात के लगभग तीन सवा तीन हो रहे हैं, तो सर आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं अपने, यहाँ पे आप लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं हिंदुज़म को, तो सर ये आवाम को या लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं, आप या किसके लिए खड़े हैं? नहीं भाई ये सिंधी जो हिंदू हैं हमारे भाई हैं, इनके जो आज मेला है हमारी ड्यूटी है, 24 घंटे हम इधर की हिफाजत कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारे भाई हैं, इनके तहफ़ के लिए हम इधर ड्यूटी के लिए खड़े हैं। तो सर इसके अलावा आपने ऐसी क्या मतलब, आप अगर किसी को पकड़ें, क्या आपके पास कोई डिक्टेटर या कोई ऐसे लोग हैं मतलब जो किस तरह की सहूलतें आप यहाँ पे आवाम को दे रहे हैं, सर कुछ बताएंगे? हमारी 24 घंटे इधर सिक्योरिटी है, हमारे बम डिस्पोजल वाले वो भी खड़े हैं, सब चेकिंग। बम डिस्पोजल वाले? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ड्यूटी है, हम इंशाल्लाह सख्ती है, सिक्योरिटी है हमारी। सर ने हमें बताया कि दूसरे अजला से भी मंगवाई गई है नफरी, बड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है लोगों को, लोग यहाँ पे ताकि
सुकून से अपनी यात्रा पूरी कर सके, अपने मंदिर में जो भी मंत्र जाप जो उनको करने हैं, जो यात्राएं करनी है वो सुकून से कर सके। आइए हम किसी और से भी मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हिंदू यात्री घुस रहे हैं। ये नाजरीन हमारे सामने कुछ और भी यहाँ पे है, मूर्त वगैरह बनी हुई, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कोई शेर पे कोई खातून की भी है। अब हम किसी से पूछते हैं इनके बारे में। सर क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले मेरा नाम है गणेश कुमार सेवादारी करमल और मैं रामापीर इंसामिया कमेटी का मेंबर हूँ कमेटी का। और ये सारे इंसाम जो है मालिक के अलावा हम यहाँ के सेवादारी और यहाँ पर संभालते हैं। अच्छा नाजरीन जी, जो इस वक्त जो हमारे साथ भाई खड़े हैं वो यहाँ के इंतज़ामिया के एक मेंबर हैं या अकेले के हेड हैं। सर इस जो ये मूर्ति जो बनी हुई है, आप मुझे इनके बारे में कुछ बताएं, ये कौन है? सबसे पहले तो ये मूर्ति जो बनी हुई है इसका नाम तो माता शेरावाली है और माता दुर्गा काली भी हम कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो इनका मेला जो बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मेला लगता है और हमारी ये हज मानी जाती है। जैसे आप में मक्का मदीना है तो इसी तरीके से ये हिंगलाज माता की हज मानी जाती है। ये बलूचिस्तान के अंदर जो बड़ा मेला लगता है हिंगलाज माता के नाम से, उनका ओरिजिनल नाम जो है माता शेरावाली के नाम से है। अच्छा सर, ये माता शेरावाली जो है आपकी, इनके हाथ में ये त्रिशूल है और ये जो कमान है तीर है, ये कर सर ये सब किस चीज़ को जाहिर करते हैं? सबसे पहले तो देखो कि नाम तो एक ही है, नाम एक है, रूप अनेक अनेक है। तो ये लोगों की समझ के लिए विराट रूप है माता रानी का, उसमें जो है माता के जो 26 रूप बताए जाते हैं उन 26 रूपों के ये अलग अलग जो है निशानियां हैं। जो दानव होते थे, जो पापी लोग होते थे, उनका खात्मा करने के लिए। दानव से मुराद मतलब बुरे लोग? बुरे लोग, जो बुरे लोग होते थे, दानव होते थे, जो राक्षस होते थे, उनको ख़त्म करने के लिए ये माता के जो रूप हैं, उनकी भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो लोग हैं जो उनके सेवक हैं पुजारी हैं उनकी रक्षा के लिए ये जो माता रानी ने ये तलवार भी रखी हुई है और शेर की सवारी और ये जो भी सिख वगैरह है ये भक्तों की रक्षा के लिए है। अच्छा सर, ये शेर का सिंबल क्या है? ये शेर क्यों, मतलब शेर के ऊपर क्यों बैठी हैं सर? देखो ये माता रानी के हर किसी के, हमारे सनातन धर्म के अंदर हर किसी देवता की अपनी अपनी सवारी होती है। तो जैसे रामापीर का घोड़े की सवारी है, इसी तरीके से ये माता रानी का शेर की सवारी है। नाजरीन आपने देखा ये जो इनके माता रानी हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया कि इनके हाथ में ये त्रिशूल जो हथियार हैं ये क्यों हैं, ये शेर के ऊपर क्यों बैठी हैं। आइए इसी में हम कुछ और भी देख लेते हैं कि सर मुझे इनके बारे में बताइए सर, ये क्या है? ये मतलब यहाँ पे चावल के दाने पड़े हैं, नारियल है सर, ये पत्ते हैं, इनके क्या है सर ये? सबसे पहले जय माता दी। आज माता रानी का हमारे 9 नवरते होते हैं जिसे रोज़े भी कहते हैं। वो हर कोई अपने मन्नत जो रखता है रोज़े रखते हैं 9 दिन। और आज दुर्गा माता दुर्गा अष्टमी है, उसके लिए ये हम 9 दिन की ये वाड़ी लगाते हैं, ये वाड़ी लगाते हैं और ये वाड़ी उसके बाद 9 दिन के बाद इतनी तकरीबन इतनी भी हो जाती है। और श्रद्धा के अनुसार जो लोग यहाँ पर रामापीर इंसामिया कमेटी से के अलावा भी जो लोग आते हैं वो दाना दाना डालते हैं, उनके अलावा ये वाड़ी जो है 9 दिन के बाद ये उगती है। और हमें यही महसूस उसके बाद होता है कि किसकी कितनी श्रद्धा है, उस हिसाब से फिर ये 9 दिन आज दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। अच्छा सर, ये पौधा किस चीज़ का है आप मुझे बताएंगे? ये अपना इसमें 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कनकी भी है, जवार भी है और इसमें बाजर भी हम डालते हैं, पर ये फिलहाल तो मेरे ख्याल से जवार ही है। यानी ये अनाज है ये सारा अनाज। नाज़रीन आपने देखा कि इनकी कुछ मन्नतें हैं, यहाँ पे मन्नतें पूरी करने आए हैं। उसके अलावा आइए सर, ये ज़रा आप इधर आइएगा, ये दिखाइएगा नाज़रीन को। सर ये क्या है सर? ये जो शिवलिंग है हमारे शिव भोलेनाथ का मंदिर है, एक किस्म का और एक किस्म का रूप है शिव भोलेनाथ का जो रूप है, इसको शिवलिंग के नाम से कहा जाता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव भोलेनाथ जी का जो सवार है गले में नांग है, उनके हिसाब से फिर दूध चढ़ाना पड़ता है, उनकी मन्नतें होती हैं, वो दूध चढ़ाते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ ये शिवलिंग है। नाज़रीन आइए और भी देखते हैं आगे और क्या है, और ये हमको और क्या मालूमात हमको देंगे ये सर? ये सर ये आपके जो हैं चंद मूर्तियाँ लगी हैं सर, ये सबसे पहले ये बताइए ये हजरत कौन है? ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारे शिव भोलेनाथ जिसका मैंने अभी बताया जिक्र किया कि शिवलिंग के हवाले से, ये शिव जी की ओरिजिनल मूर्ति है और वेदों के अनुसार माँ शिव भोलेनाथ जो है 3 लोकों के वाली हैं। और ये जो साइड में मूर्ति है ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये जो बांसुरी बजा रहे हैं और ये जो हाथ में डांडिया है जिनके, जी जी बिल्कुल, ये श्री कृष्ण भगवान है। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो सबसे बड़े देवी देवता हैं वो है कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण।
अच्छा सर, ये पीछे जो है वो तीसरी मूर्ति किसकी है सर, वो आप बताइए। ये जो छोटी मूर्ति लगी हुई है, ये श्री गणेश भगवान है, और सनातन धर्म के अनुसार जो है ये सबसे पहले जो है इनको वरदान दिया गया है कि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, आराधना होती है, उनकी आरती होती है, उनके बाद जो है दूसरे देवताओं की पूजा हम करते हैं। ये हमारे गणेश जी हैं। नादरीन, ये तीन मूर्तियों के बारे में हमारे भाई ने बताया, एक श्री भोलेनाथ हैं, राधा कृष्ण हैं, और ये श्री गणेश साहब हैं। अच्छा सर, ये इतने सारे यहाँ पे पैसे पड़े हैं, ये ज़रा कैमरामैन दिखाइएगा, ये सर ये पैसे किस लिए हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो ये जो यात्री आने वाले यात्री हैं उनकी मन्नतता होती है, आया कोई 10 रुपये किसी ने रखे, किसी ने 20 रखे, किसी ने 50 रखे, तो उनसे इन पैसों से जो हमें हमारे जो इंतजामिया है वो यहाँ पर 24 घंटे जो भंडारे के हिसाब से, न्यास के हिसाब से लंगर भी चलाते हैं, जलाश्रम, और ये मंदिर के हवाले से जो भी डेकोरेट है और मंदिर के हवाले से जो भी कामकार हैं वो हम करवाते हैं, और 24 घंटे मेले के अलावा भी जो 12 महीने तकरीबन जो ये न्यास लंगर चलता रहता है, इन्हीं खर्चों में ये 10-20 रुपए जो गरीब मिस्किन लोग रख कर जाते हैं इन्हीं से ये पूरा साल चलते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे भाई ने बताया ये पैसे मूर्तियों के सामने रखे हैं, ये लोग अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने ये केले के जो भी मेहनत के पैसे कमाते हैं अपने धर्म के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से मोहब्बत में डाल के चले जाते हैं, तो ये लोग इन पैसों का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे जितने भी मामलात होते हैं ये मामलात हल करते हैं, जैसे यहाँ के इंतज़ामियों को सैलरीज देना, या यहाँ के इंतज़ामी के यहाँ पे डेकोरेशन हुई हैं इन डेकोरेशन पे खर्च करना, और उसके अलावा सर ये मैं मुझे आप इस मूर्ति के और इस जगह के बारे में बताइए कि सर ये कौन लोग हैं, ये क्या हैं सर, इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे बताइए आप ज़रा। सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखाता चाहूँ, ये डाली भाई हमारी जो रामापीर की बहन है, उनकी ये जो समाधि बनी हुई है ओरिजिनल। समाधि मतलब जनाजा, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? समाधि मतलब के जो जिंदा लोग हैं वो अपने जीवन के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए जो अपना ऐसे चीज जमाते हैं और जिंदा ही जो है ना जो अपना अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ये इन्होंने बताया है यहाँ पे जो श्री राम रामदेव जिनको कहते हैं, उनकी बहन की ये उनकी बहन की कोई ये बता रहे हैं समाधि। अब समाधि मैं तो सही तरीके से नहीं समझ पाया, लेकिन जो समझ पाए हैं